हेलो एंड वेलकम टू ऑल लीडर्स। ऑल लीडर्स में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 नवंबर के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या कौन कौन से ऐसे जो इवेंट्स हैं वो हुए थे, कौन कौन से ऐसे फेमस लोग हैं जो बर्थडे उनका है, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो के लिए। तो और इसके साथ साथ ही हम बायोग्राफी वीडियो भी लाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी लाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम का, ये हमारा लिंक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं इन सब का जो PDF है अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेमस बर्थडे है वो कौन कौन से हैं। तो महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म 1870 में 5 नवंबर को ही हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का जन्म भी 1917 में 5 नवंबर को हुआ था। इसके साथ ही हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदय राज सिंह का जन्म भी 1921 में 5 नवंबर को ही हुआ था। इसके साथ ही यहाँ 5 नवंबर में देखें तो जो इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट्स हैं वो देखेंगे, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं। और अगर आप इसका जो PDF है वो नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उन्हें ले ले लिख ले। तो 1556 में 5 नवंबर को ही पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जवाब देने में तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि पानीपत का जो पहला लड़ाई है और तीसरा लड़ाई है वो किनके किनके बीच हुआ था, और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही स्पेन और इंग्लैंड के बीच 1630 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे, ये 5 नवंबर को ही हुआ था। 5 नवंबर को ही मैसाचुसेट्स ने 1639 में अपने पहले डाकघर की स्थापना की थी। मैसाचुसेट्स जो है, अगर आप इसका वही यही है, MIT वाला इंस्टीट्यूट है, ये USA का एक जो है वो स्टेट है, और ये जो पाया जाता है ये अटलांटिक ओशियन पे, ये अटलांटिक ओशियन से सटा हुआ ये पार्ट है। इसके साथ ही जर्मनी की विशेष सेना बेडनबर्गर्स ने 1678 में स्वीडन में गिल्फवॉर्ड शहर पे कब्जा कर लिया था। और इसके साथ ही 5 नवंबर को ही स्पेन और ऑस्ट्रिया ने 1725 में गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। साथ ही 5 नवंबर को ही 1854 में की हुए क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त सेना ने इकरमान में रूसी सेना को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही उल्सेसस एस ग्रांट में 1872 में अमेरिका के दूसरी बार जो निर्वाचित प्रधानमंत्री ये यूएसएस एस ग्रांट बने थे, 5 नवंबर को ही। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डर्स को 1895 में अमेरिका का पहला पेटेंट मिल गया था। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1914 में की गई थी। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही अमेरिका के महान साहित्यकार सिनक्लेयर लेविस को 1930 में उनकी कृति बाबित के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही एडोल्फ हिटलर ने 1937 में गुप्त बैठक बुलाकर जर्मन जनता के लिए ज़्यादा जगह लेनी लेने की योजना का खुलासा किया था। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही नवेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में 1991 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किए थे। इसके साथ ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में न्यूयॉर्क की यात्रा की थी, 5 नवंबर को ही। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही सोवियत संघ ने 1976 में परमाणु परीक्षण किया था। ये वो सोवियत संघ है या ये USSR है, USSR आज का जो रसिया है, ये उसी आज का रसिया उसी का पार्ट है, पर पहले 91 से पहले एक USA बहुत ज़्यादा था जिसमें यूगोस्लाविया, ये सब, यूक्रेनिया, क्रीमिया, ये सब आते थे। और इसके साथ ही 5 नवंबर को ही इज़राइल के प्रधानमंत्री इतजाक रॉबिन, ये 4 से 5 नवंबर था के बीच में था, कि 1995 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ये हमने कल भी देखा था। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फारूक अहमद खान ने 1996 में बेनजीर भुट्टो की सरकार को हटाकर पाक नेशनल असेंबली भंग कर दी थी। इसके साथ ही 5 नवंबर को ही वेस्ट इंडीज़ के महान
तेज गेंदबाज मैकुलम मार्शल का निधन 1999 में हो गया था। ये हालांकि निधन वाले पार्ट माना चाहिए, यहाँ नहीं था। भारत तथा रूस ने 2001 में अफगान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूरी कर दी थी 5 नंबर को ही। इसके साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता यतुलक खुमैनी ने 2002 में जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को आम माफ़ी दे दी थी। और इसके साथ ही इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का नाम सबने सुना होगा आई थिंक। और 2006 में उनको दो साथियों सहित 1978 में 148 सीआईओ की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई थी। और इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने 2006 में ही देश के अपदस्थ राष्ट्रपति, अपदस्थ का मतलब उस समय ये राष्ट्रपति नहीं थे, सदाम हुसैन को हटा दिया गया था, को मानवता के खिलाफ यानी कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अपराध करते हुए दोषी पाया गया था और इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। चीन का पहला अंतरिक्ष यान 2007 में चेन 1 चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। इसके साथ ही 5 नंबर को ही सीरिया में 2012 में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में तकरीबन 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कुछ फेमस डेथ, तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के जो महान गेंदबाज थे मैकुलम मार्शल, उनका निधन हो गया था 1999 में 5 नंबर को ही। इसके साथ ही भारतीय राजनेता तथा बॉम्बे नगर पालिका के संविधान चार्टर के निर्माता फिरोज मेहता का जन्म भी 1915 में 5 नंबर को ही हुआ था। इसके साथ ही ध्रुपद तथा ख्याल ज्ञानी शैली के सर्वश्रेष्ठ गायक फयाज खान का जन्म भी सॉरी निधन भी 1950 में 5 नंबर को ही हुआ था। तो इसके साथ कुछ और कवि हैं जो प्रसिद्ध आलोचक और आलोचक भी रहे हैं, विजय देव नारायण शाही, उनका निधन भी 1982 में 5 नंबर को ही हुआ था। इसके साथ ही रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म सॉरी बार बार जन्म आ रहा है, निधन भी 1998 में 5 नंबर को ही हुआ था। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा का निधन 2008 में 5 नवंबर को ही हुआ था। इसके साथ ही भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार भूपेंद्र हजारिका का जन्म भी 2011 में निधन इनका भी हुआ था 5 नवंबर को ही। इसके साथ ही ये वीडियो का अंत है और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही हमारे जो बायोग्राफी वाला वीडियो आते हैं उनको भी एक अच्छा प्यार दें, जो हिस्टोरियंस वाला आते हैं उन्हें भी देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।